Good morning guys, welcome back to the channel and as you know that we are covering IGNOU's material. IGNOU में BA का जो section है उसमें administrative theory वो हम cover कर रहे हैं. आज हम discuss करेंगे unit number 24, unity of command पे. IGNOU का जो material है ये important हो जाता है civil service exam के perspective से when you have public administration as your optional subject. इसके अलावा अगर आप NET की तैयारी कर रहे हैं या फिर इवन आप अपने कॉलेज एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो कंसेप्ट हैं ये क्लैरिटी देते हैं आपको ताकि आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करके चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें. राइट, तो लेक्चर देखिए और रटने की ज़रूरत नहीं इन चीज़ों को. फाइन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड और इनके मतलब आपको पता होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए कि व्हाट डज़ इट मीन बाय यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, हायरार्की क्या होती है, डेलीगेशन क्या होता है, ये आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए. राइट, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. बात करते हैं आज के लेक्चर की यूनिटी ऑफ कमांड की. अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप हमारा ये जो सेक्शन है हमारा इग्नू का ये डेली आप वीकडेज पे डेली आप सुबह 9 बजे देख सकते हैं और इसके अलावा शाम के 9 बजे यानी रात के 9 बजे हम कवर करते हैं हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है. अभी हम कवर कर रहे हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में, तो आप हमें डेली फॉलो कर सकते हैं. फाइन, और अदर सोशल मीडिया लिंक्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं. शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम यूनिटी ऑफ कमांड. सिंपल समझिए कि यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स, इसका मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है. कमांड मीन्स टू गिव ऑर्डर और यूनिटी मीन्स कि कोई एक पर्सन होना चाहिए जो आपको कमांड दे रहा हो, ज़्यादा इंसान ना हो कमांड देने वाले. सिंपल सी बात है. ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा, हायरार्की के बारे में पढ़ा. आई होप आपने वो लेक्चर देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए देखिए, इग्नू में मिल जाएंगे आपको हायरार्की एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल. इन्हीं के जैसा एक और कंसेप्ट है, इक्वली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू हायरार्की. ठीक है, बट अगर मान लीजिए कोई भी वोलेशन होता है इस बेसिक से नॉर्म का, दैट मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो वोलेट हो रही है. ठीक है, अब समझिए यूनिटी ऑफ कमांड ज़रूरी क्यों है. आपको पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको आपका कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई आपका पर्पज़ होता है, उसको अचीव करने के लिए आप एक टीम बनाते हैं और टीम का जो एफर्ट होता है उसको कोऑपरेट करते हैं और तब आपका आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करते हैं आप. फाइन, सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू सिक्योर कॉपरेशन एंड टीम वर्क. दिस इज इंश्योर्ड थ्रू यूनिटी ऑफ कमांड वेयर इन अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड टू इशू इंस्ट्रक्शन इज क्लियरली लोकेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एट डिफरेंट लेवल. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन अथॉरिटी है, कौन इंस्ट्रक्शन इशू करेगा, वो क्लियरली मैंशन होता है. यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज दैट इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर. समझ लीजिए इस चीज़ को कि यूनिटी ऑफ कमांड का यहाँ पर मतलब है कि इम्प्लॉइज सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटी या एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा. राइट, हेनरी फायोल कहते हैं एन आर्डेंट एडवोकेट ऑफ दिस प्रिंसिपल, इट मीन्स दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. हेनरी फायोल ने इस प्रिंसिपल पे बहुत ध्यान दिया था और उन्होंने कहा था कि एक एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से ही ऑर्डर्स लेगा. अगर मान लीजिए कि एक ही पर्सन को दो या दो से ज़्यादा इंसान उसको ऑर्डर दे रहे हो तो क्या हो सकता है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर. राइट, रोल क्लैरिटी और गोल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू बी इफेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन. एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है और उसका गोल क्या है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से इफेक्टिव हो पाएगा. देयरफॉर यूनिटी ऑफ कमांड बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द एम्प्लॉयज़ टू बी इफेक्टिव इन ऑर्गेनाइजेशन. बात करें इंपॉर्टेंस की तो वही चीज़ें हैं. मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसको ऑर्डर दो सुपीरियर से आ रहा है, तो एक तो ये चांस हो सकता है कि उन दोनों ऑर्डर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो. फाइन, दिस इज़ वन पॉसिबल डेफिशिएंसी वेयर देर इज़ नो यूनिटी ऑफ कमांड इन ऑर्गेनाइजेशन. और ये हो सकता है कि एक काम को बचने के लिए एम्प्लॉय क्या करे, दूसरे सुपीरियर के ऑर्डर को यूज़ करे ताकि वो काम को अवॉइड कर सके. राइट, एम्प्लॉय फाइंड इट डिफिकल्ट टू परफॉर्म हिज जॉब विद द क्लैरिटी ऑफ पर्पस. और क्या होता है कि मोस्टली अगर आप दो या दो से ज़्यादा अगर एक पर्सन को ऑर्डर दे रहे हो, देर इज स्कोप फॉर कन्फ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट रेदर देन क्लैरिटी ऑफ पर्पस. एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, अगर ये एब्सेंस है, अगर यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, लीड्स टू इधर कन्फ्यूजन और टू गिव रूम्स फॉर मैनिपुलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन. वही बात जो मैंने कही कि या तो उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इतना आप लूप होल दे रहे हो ताकि वो अपने आप
उस चीज़ को मैनिपुलेट कर सकें। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल पैरालिसिस, यानी कि एक डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड इन प्रैक्टिस के एक्चुअल में क्या हो रहा है। इट इज़ डिफिकल्ट इन प्रैक्टिस, नो डाउट। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड होता है, जितने भी डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो उनका हेड होता है। मान लीजिए कि कोई ऑर्डर जैसे एग्रीकल्चर का है, ठीक है, एग्रीकल्चर को डिपार्टमेंट है, उसको ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दे रहा है, लेकिन उस जो एग्रीकल्चर वाले डिपार्टमेंट है उसको अपने सुपीरियर हेड, जो एग्रीकल्चर में उनका सुपीरियर है उस डिपार्टमेंट में, उनसे भी तो ऑर्डर लेने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि सिर्फ और सिर्फ एक यूनिटी ऑफ कमांड हो जाए। तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। इधर इन द केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इन एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर। ज़रूरी क्या है ये चीज़ समझ लीजिए कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ द यूनिटी पार्ट देन द कमांड पार्ट। यूनिटी होना ज़रूरी है, दैट मीन्स यूनिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कमांड। आप क्या कमांड दे रहे हो, दो से दो लोग कमांड दे रहे हैं, लेकिन कमांड दे क्या रहे हैं, वो एक डायरेक्शन में कमांड दे रहे हैं, वो अलग अलग बोल रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यूनिटी ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू द कमांड पार्ट। समझते हैं कौन कौन से फैक्टर जो हैं यूनिटी ऑफ कमांड को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। अब वो हो सकता है कि आपने कई बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है जैसे एम्प्लॉय के पास ज़्यादा डिस्क्रिशन आ जाता है, पावर्स आ जाती है, राइट। और उसकी मैनिपुलेटिव स्किल पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे काम कर रहा है या कैसे ऑर्डर को अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। एक्सेप्शन की बात करें टू द प्रिंसिपल, देर आर सिचुएशन वेयर द एम्प्लॉयज़ आर अंडर द टेक्निकल कंट्रोल ऑफ वन सुपीरियर ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ अनदर सुपीरियर। ऐसा होता है और एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि टेक्निकल कंट्रोल किसी और सुपीरियर के हाथ में और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसी और सुपीरियर के हाथ में। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ये हमने पढ़ा था जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के बारे में कवर कर रहे थे। F.W. टेलर, इनको कहा जाता है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। उन्होंने कहा था कि यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होनी चाहिए, रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। उन्होंने फंक्शनल फॉरमैनशिप का कंसेप्ट दिया था, उनके हिसाब से आठ जो हैं वो सुपीरियर होने चाहिए जो ऑर्डर इशू कर रहे हैं। कौन कौन से ये दे रखा है, टेलर हैड रिकमेंडेड एट सुपरवाइजर और फोरमैन फॉर ईच वर्कर, ठीक है। इनमें से है गैंग बॉस है, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस, ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप फ्लोर डिसिप्लिनेरियन, राइट। और ये जो आइडिया था टेलर का वॉज अडॉप्टेड इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दस वी हैव डिफरेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स साइड बाई साइड विद द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रेजेंट डे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक्सेप्ट किया गया जो टेलर का आइडिया है, ठीक है, ये एक्सेप्ट किया गया। यहाँ पर बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो इसके फेवर में बात कहते हैं। अकॉर्डिंग टू देम दो मोर देन वन सुपीरियर इशू ऑर्डर टू एन एम्प्लॉय, देर इज़ यूनिटी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस कमांड, ठीक है। ये चीज़ आप समझ ली कि जब यूनिटी ऑफ कमांड की बात आए तो आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि यूनिटी इन द डायरेक्शन ऑफ कमांड्स, ठीक है। एज लॉन्ग एज देर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट इन दीज कमांड्स एंड ऑर्डर, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टैंड गुड्स। जब तक जितने भी लोग आपको ऑर्डर इशू कर रहे हो, जब तक उनके कमांड्स में ऑर्डर में कन्फ्लिक्ट नहीं है, तब तक प्रिंसिपल जो है आपका यूनिटी ऑफ कमांड वाला वो सही है, ठीक है। बात करते हैं अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट टेक्निकल एक्सपर्ट हु इशू ऑर्डर आर ओनली सजेस्टर एंड हेल्पर इन एन टू एन एम्प्लॉय। जो सजेस्ट करते हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, जो बेसिकली वो एडवाइस देने का उनका काम होता है। एंड एम्प्लॉय हैज़ टू अल्टीमेटली फॉलो द ऑर्डर ऑफ इमीडिएट सुपीरियर इन केस देर आर कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर। और यूनिटी ऑफ कमांड कुछ ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे आर्म्ड फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके अंदर, ठीक है। सो दैट मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड इज़ अ नेसेसरी फीचर इन सर्टेन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिमॉक एंड डिमॉक कहते हैं, दे हैव नोटेड दैट इन एन ऑर्गेनाइजेशन समवन मस्ट बी अ बॉस, मल्टीपल डायरेक्शन इज अ कन्फ्यूज डायरेक्शन, एंड क्लियर लाइन्स ऑफ रिलेशनशिप एंड अथॉरिटी आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर कॉपरेशन। एक बॉस होना चाहिए, मल्टीपल डायरेक्शन से कमांड आ रही है तो कन्फ्यूज डायरेक्शन है, क्लियर लाइन्स ऑफ रिलेशनशिप होनी चाहिए, अथॉरिटी का पता होना चाहिए ताकि प्रॉपरली कॉपरेट कर सकें लोग, फाइन। इफ टू पर्सन एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर द सेम पर्सन बी फर्दर ऑब्जर्व, अनइजीनेस मेक इट सेल्फ फेल्ट एंड डिसऑर्डर इंक्रीज। अगर कोई दो इंसान एक ही पर्सन पे अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि डिसऑर्डर बन जाए, ठीक है, डेडलॉक क्रिएट हो या अनइजीनेस क्रिएट हो जाए।
अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ कमांड, वही चीज़ें हैं कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन इट पॉजेज सेवरल डिफिकल्टीज. ठीक है, कई कहते हैं जैसे सेक्लर हडसन की बात करें, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैनी इंटर रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट आउटसाइड द स्ट्रेट लाइन ऑफ कमांड विच रिक्वायर वर्किंग विद एंड रिपोर्टिंग टू मैनी पर्सन फॉर पर्पज ऑफ इफेक्टिव एंड ऑर्डरली परफॉर्मेंस. यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं जस्ट लाइक अदर प्रिंसिपल्स इज अ मोर थ्योरेटिकल प्रपोजिशन देन ए प्रैक्टिकल आइडिया इन ऑर्गेनाइजेशन. ये थ्योरेटिकल प्रपोजिशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ प्रैक्टिकल आइडिया. ठीक है, दिस प्रिंसिपल हार्डली हैज एनी रिलेवेंस टू कमेटीज कमीशंस एंड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, खास करके जो कमीशंस हैं, जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ये कोई रेलेवेंस नहीं रखता, ये जो प्रिंसिपल है सभी वो. और आजकल की जो सिचुएशन है, खास करके डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का दौर है और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं, सो हैंस कंसेप्ट लाइक वन मैन वन बॉस लीड्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिस्टेंस इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो उनका यही मानना था कि ये चीज़ें जो है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती. राइट, तो बात यहाँ पर हम खत्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल मिलते हैं सुबह 9 बजे.